बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है संक्रमण धातु संकुलों का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे डीडी संक्रमण के वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है। ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं ये क्या होते हैं? उच्च ऊर्जा के होते हैं। इन स्पेक्ट्रमों के साथ साथ में जो कंपनीय और घूर्णीय संक्रमण वो भी हमेशा होते रहते हैं इनके साथ साथ में, इसलिए ये सब एक साथ में रहते हैं, इनके ऊर्जा स्तर पास पास रहते हैं, इसलिए ये इनको हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए जो डीडी स्पेक्ट्रम है उसका जो बैंड होता है वो चौड़ा हो जाता है। और ये जो होता है रंगीन विलयन के स्पेक्ट्रम को हम किससे नाप सकते हैं? स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नाप सकते हैं। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, जो मोनोक्रोमेटिक प्रकाशपुंज होता है उसको विलयन और प्रकाश विद्युत सेल से प्रवाहित करते हैं। इससे क्या होगा, एक निश्चित आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का प्रकाश की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। इसकी जो पूरी जो रेंज है उसको हम स्कैन कर लेंगे और उससे जो एब्जॉर्प्शन होगा उसको ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड कर लेंगे। यदि प्रकाश की जो मूल तीव्रता है वो आई जीरो है और आई उसकी तीव्रता है पुंज की तीव्रता, तो इनका जो अनुपात है लॉग वो क्या हो जाएगा? अवशोषणांक हो जाएगा। जो सभी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं वो क्या विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुमत अलाउड और वर्जित फॉरबिडेड, दो प्रकार के संक्रमण होते हैं। तो इनमें अंतर करने के लिए हमने सिलेक्शन रूल दिया है, वर्ण नियम दिया है। जो अनुमत संक्रमण सामान्य होते हैं और जो वर्जित संक्रमण है वो इस व्युत्क्रम क्रम में होते हैं। तो अनुमत संक्रमण की ऊर्जा अधिक होती है और वर्जित संक्रमण की ऊर्जा कम होती है। अब सबसे पहले है लापोर्ट कक्षक वर्ण नियम, लैपोर्ट का ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। ये क्या होता है कि जो जिनमें एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंसी क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है वो जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लापोर्ट अनुमत संक्रमण कहलाते हैं। जैसे कि कैल्शियम के लिए 4s2 से 4s1p1 में संक्रमण हो रहा है, यानी इसमें एल का मान 0 से +1 परिवर्तित हो रहा है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट है, अवशोषण गुणांक है, उसका मान 5000 से 10000 लीटर मोल माइनस सेमी माइनस होगा। तो इसको लैपोर्ट नियम को क्या कह सकते हैं हम, जिन संक्रमणों में पैरिटी या क्षमता परिवर्तित होती है केवल वे ही अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, अनुमत संक्रमण होते हैं। और इसमें एक तो ग्राड होते हैं और एक अपग्राड, जी और यू। तो जी से यू हो या यू से जी हो संक्रमण, तभी वो अनुमत संक्रमण है। यदि जी जी, ग्राड से ग्राड या यू यू, अपग्राड से अपग्राड संक्रमण होगा तो वो अनुमत संक्रमण नहीं है। क्योंकि केंद्रीय सम्मिति अणुओं में सभी डी कक्षकों की ग्राट सम्मिति होती है, अतः डीडी संक्रमण वर्जित होता है। यानी कि इनमें जो संक्रमण होगा वो जी जी ही होगा, तो इसलिए ये वर्जित होगा, ये अनुमत संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण धातु संकुल के निर्माण के समय धातु आयन किससे घिरा रहता है? लिगेंड से घिरा रहता है। इसके कारण इसके पी और डी कक्षकों का कुछ मिश्रण होगा, अतः यह डी प्रकृति के नहीं होकर के मिश्रित प्रकृति के होंगे। जिन संकुलों में पी और डी कक्षक मिक्सिंग होती है उनमें सम्मिति बिंदु नहीं होता। जैसे कि चतुष्फलकीय संकुल MnCl4-2 कक्षकों के जी या यू नामांकन नहीं होंगे। असम्मित प्रतिस्थापित अष्टफलकीय संकुल जिसमें कोबाल्ट टेट्रा अमोनियम ब्रोमाइड में सम्मिति केंद्र नहीं है, ये दोनों संकुल रंगीन होते हैं। जिन संकुलों में सम्मित केंद्र होता है उनमें क्या होता है? पी और डी कक्षकों का मिश्रण संभव नहीं होता। परंतु इन संकुलों में धातु लिगेंड बंध के कंपन के कारण लिगेंड अपना समय केंद्रीय सम्मित साम्य स्थिति के बाहर ही व्यतीत करते हैं, इसलिए इनमें बहुत कम मात्रा में मिक्सिंग होती है।
और बहुत कम तीव्रता का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये क्या दर्शाता है कि लापोर्ट का अलाउड संक्रमण अधिक तीव्र होता है, परंतु लापोर्ट वर्जित संक्रमण कम तीव्रता के होते हैं। यदि संकुल में सममित बंधु नहीं हो, अर्थात दुर्बल हो, यदि इनमें सममिति बिंदु हो। इसके बाद में ये चीज़ इस टेबल से बताई गई है, सारणी से। सारणी में बताया गया है कि कौन सा अनुमत होगा, लापोर्ट अनुमत है, चक्र अनुमत है, तो इसमें स्पेक्ट्रम का प्रकार, आवेश स्थानांतरण है, और इसके जो उदाहरण है ये सब दिए हुए हैं, तो ये इस टेबल में दिया गया है।